सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ पानी भी बेकार हो जाता है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। आज के दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आपने भगवान से उम्मीद की है। आज का पंचांग 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 6:03 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 10:21 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:05 से 4:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:48 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 9:57 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती, पूर्णिमा व्रत और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन राशि 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, यह समय कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने का है। एक अनुबंध या रोमांचक नए निर्णय को आपकी समीक्षा की जरूरत है। ढीले सिरों को बांधे और संबंधों में अगले चरण में जाने पर विचार करें। आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इन्हें हल करने के लिए समय निकालें। आज आपकी आंतरिक ताकत बढ़ रही है, इसीलिए आध्यात्मिक कष्टों और अन्य परेशानियों का सामना करने का सही समय है। आज आप अकेला महसूस कर सकती हैं। शांति कल्पना और चिंतनशील मानसिक दर्शन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकती हैं। अपने दिल की सुने और प्रयत्न करें, क्योंकि जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं। आज खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु यह खर्चे कुछ बेहतरीन कार्यों के लिए होंगे, इसीलिए चिंता ना करें। आपकी कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा लाभ होने की संभावना है। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा। काम से अधिक केवल विचार करने में वक्त बर्बाद होगा। आप हर छोटी बात का गहराई से विचार करें। गलत लोगों का ध्यान देखकर आप खुद को कमजोर बनाएंगे। आपको अपने निर्णय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों से अपेक्षा है वो लोग आपका साथ देंगे। काम से जुड़ी हुई नाराजगी दूर करने के लिए काम की क्वालिटी को सुधारना होगा। रिलेशनशिप संबंधित दुविधा बढ़ेगी, बदन दर्द की परेशानी भी हो सकती है। सावधानियां, संतान के करियर को लेकर असमंजस्य की स्थिति रहेगी, किसी अनुभवी से मार्गदर्शन लें। आज किसी भी तरह की यात्रा करने से परहेज रखना जरूरी है। ध्यान रखें, आलस्य बहुत अधिक सोच विचार करने में भी समय व्यर्थ हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। लिव इन पार्टनर या कोई करीबी मित्र आज आपके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है ताकि आपके और भी नजदीक आ सके, लेकिन काम के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। नई जॉब मिलने की संभावना है, नए वातावरण में नए संबंध बनेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है जिसके कारण आप अकेला महसूस कर सकती हैं। हमेशा अपने दिल की सुने और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ें। अपने दिल की भावनाओं को अपने साथी के साथ जरूर बांटें और उसे समझें। अगर आप सिंगल हैं तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। बात करते हैं करियर की। आज नए परिवेश या वातावरण में काम करने से घर का नुकसान हो सकता है। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट है, जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। व्यापार बिक्री या खरीद के लिए समय अच्छा है। कानूनी समझौते और ट्राई अप की भी संभावना है। आज वो चीजें आपको आकर्षित कर रही हैं जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। आप अपने आंतरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट है, जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकते हैं।
आज अपने दिल का मार्गदर्शन पाकर आप सही दिशा और विकल्पों का चुनाव करेंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। इनकम के सोर्स भी बनेंगे। फोन और संपर्कों के माध्यम से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। शेयर शादी जैसे कार्यों में निवेश करने के लिए समय उत्तम है। सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। बात करते हैं सेहत की। सिर दर्द माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी। बासी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। बदन दर्द की परेशानी भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय। मान्यता है कि बजरंगबली को सिंदूर लगाना पसंद है, इसीलिए मंगलवार के दिन यानी आज भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।